हेलो, अगर आप लोग गो कार्ट जापान की सड़कों पर दौड़ना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे एंजॉय कर सकते हो। ये रियल टाइम एक्सपीरियंस मुझे बहुत दिन से करना था और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गो कार्ट को किस तरह हायर कर सकते हो, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है, उसकी फीस कितनी है और हम लोग दौड़ाएंगे टोक्यो की सड़कों पर मारियो गो कार्ट। तो बनी रहिए, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक लिंक दूंगा जो एक डिस्काउंट लिंक होगा जिससे आप गो कार्ट को और सस्ते में हायर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे आइडेंटिफिकेशन से। इसमें आपके तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आईडीपी मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये तीनों चीजें आपको जब लेके आते हो तो इसके बेस पे आप गो कार्ट हायर कर सकते हो। इसमें अगर आप जब भी रास्ते पे जाते हो, कभी कोई कॉप या कोई आपको चेकिंग करता है तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चेक करता है, तो ख्याल रखिए इन तीनों चीजों के बिना आप गो कार्ट हायर नहीं कर सकते हो। गो कार्ट की जर्नी शुरू करने के पहले वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिसमें आपको एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें आप समझ सकते हो कि आपकी गो कार्ट में कौन कौन से गियर हैं, कौन सा ब्रेक हैं, आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो आपको ये कोर्स करना है। और ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है और ये इंग्लिश में होता है, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि आप गो कार्ट कैसे चला सकते हैं। और अंदर चल रहा है वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो, लेकिन यहाँ पे ये मेरे गाइड होने वाले हैं दोनों। व्हाट योर नेम? मैरियो गो कार्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कॉस्प्ले। अगर जब भी आप वहाँ पहुँचते हो तो देखते हो कि बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं या बाहर से भी खरीद सकते हो। जब मैं वहाँ पहुँचा देखा तो मैंने अपना जो फेवरेट कैरेक्टर बैटमैन है उसकी ड्रेस पहनी जो मेरी गाड़ी के साथ मैच कर रहा था। जब हम बाहर निकले तो सभी ने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और हम जब बाहर निकले तो रास्ते पे लग रहा था कि पूरे कॉमिक कैरेक्टर्स लाइवली आप रास्ते पे आ गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। जब मैंने मारियो गो कार्ट का कोर्स लिया था तो हम लोग घूमे थे दो एरिया, वो है शिबुया का और हराजुकू का। शिबुया जंक्शन आप देखो तो वहाँ पे काफी लोग एक साथ जंक्शन पे क्रॉस करते हैं, जो कि एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह हराजुकू एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आप स्ट्रीट से लेके हाई एंड मॉल में शॉपिंग कर सकते हो। ये दोनों एरिया टोक्यो के बहुत बिजी एरिया में से एक है और यहाँ पे रास्ते पे मारियो कार्ट से ड्राइव करना एक अलग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। जापान में भी हमारे तरह ही राइट एंड ड्राइव है, तो आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो लेफ्ट में रहिए और देखिए कि आप एक सेफ डिस्टेंस में गाड़ी चला रहे हो। और अगर आपको रुकना भी है तो आप उसमें ब्रेक होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप स्लोली आराम से लेफ्ट में रहोगे तो आप काफ़ी आसानी से ये अपनी ड्राइव इंजॉय कर सकते हो। तो जब भी आप वहाँ पे गो कार्ट के लिए जाते हो तो वहाँ पे तीन तरह के कोर्स होते हैं जो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो इसमें तीन कोर्सेज होते हैं, एक घंटे का, दो घंटे का और तीन घंटे का। तो अगर आप पहली बार अगर गो कार्ट का एक्सपीरियंस ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक घंटे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दो या तीन घंटे वाले कोर्सेज में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें आप जब भी कोई भी कोर्स लेते हो तो इसमें आपको कॉस्ट्यूम, इंस्ट्रक्टर और इंश्योरेंस फ्री मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद आप आराम से अपनी ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप एक सिटी में जा रहे हो या मल्टीपल सिटी में जा रहे हो, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कोर्सेस होते हैं और इसकी जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 येन से 5,500 येन के बीच में होती है। तो एक एक तरीका है, नया तरीका है टोक्यो घूमने का, जो लैंडमार्क्स हैं। तो एक घंटे की जर्नी है। तो आपको ये बताऊं कि जो गाड़ियाँ होती हैं इसमें ना सीट बेल्ट होती है ना हेलमेट होती है।
ऑफकोर्स आपको अपनी गाड़ी पे कंट्रोल करना है, लेफ्ट में रखनी है गाड़ी, और आपको थोड़ा ड्राइविंग से सोना चाहिए कि आसपास कोई गाड़ी अगर स्पीड से जा रही है या बड़ी गाड़ी है आपको डरना नहीं है। अपना कोर्स शुरू करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना है, सिग्नल्स को ध्यान देना है, और आसपास जो लोग चल रहे हैं उनके तो भी ध्यान देना है। आपको ओवर स्पीड नहीं करनी है, अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी है, और रूल फॉलो करोगे तो अपने जो राइड है उसका भी एंजॉय करोगे और सेफली आप उसको एंजॉय करते हुए पूरा मजा ले सकते हो। जब मैंने मारियो गोकार्ट की जर्नी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे तरह के गोकल्स थे। अब मैं हो गया तैयार और पूरा गियर के साथ, और ये है मेरा ड्रेस बैटमैन। तो मैंने अपना एक फेवरेट गोगल चूज किया अपनी राइड के लिए। उसके अलावा वहाँ पे आपको एक्शन कैमरा भी रेंट पे मिलता है, और इस रेंटल कैमरा में आपको 32 GB रैम मिलती है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है जो आप अपने साथ म्यूजिक प्ले करते हुए अपने ड्राइव को और इन्जॉय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा ऐसी साइट जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलते हैं, तो voyage.com ऐसी साइट है जहाँ पे आपको गोकार्ट के ऊपर बहुत सारे उनके ऑफर चलते रहते हैं। तो ये ऑफर आपको 20% से लेकर 37% तक, कहीं कहीं 50% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑफकोर्स ये कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं है, पर चाहता था कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि अपना ट्रिप को और भी बजट वाला बना सकें। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके पास रेगुलेशन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बिना आप ये ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन मैं बोला कि मुझे रिस्क लेना नहीं है क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में नॉर्मली अगर साथ में अपने जन पसंद के होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन टेक केयर ऑफ इट्स आवर सेल्फ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इस पर मैं टोके ड्राइव करूँगा, लेकिन पीछे बैठ के, आगे बैठ के नहीं, मैं ड्राइव नहीं करूँगा। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स एंड यू नो रोम अराउंड। It's great. It's really great. You should try it at least once. वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप तक अपने टूर क्रिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टूर क्रिप को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आपको नए नए वीडियो लेके आते रहूँ। अगर आप तक आपने मेरा साउथ कोरिया और जापान का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, आप बहुत इन्जॉय करोगे। आने वाले वीडियो में आपको मैं ऐसा जापान का एक ऐसा इवेंट लेके आऊँगा जो आपके लिए खास रहने वाला है, तो देखते रहिए।